यहाँ पर प्रोफेस जब शुरू हो रहा होता है, ये तो पूरा प्रोफेस से लेकर एनाफेस यहाँ पर पूरा जब बता दिया, प्रोफेस चालू हो रहा होता है तो क्या होता है, प्रोफेस में ही बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो माइटोसिस में नहीं होती है। क्रोमोसोम जब बनाना शुरू हो जाएगा, लिप्टोटीन कहेंगे, यहाँ पर ऐसे क्रोमेटिन मटेरियल भरा हुआ है, प्रोफेस कब शुरू होगा यहाँ पर भी, जब ये कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ये क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर धीरे धीरे दिखने लगेगा, यानी कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है अपने आप में लिपटने लगता है। क्या होने लगता है, क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप में लिपटने लगता है, तो जब लिपटने लगता है तब लिप्टोटीन हो जाता है। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। मोमेंटम कोटा क्लास के एक बिल्कुल ही स्पेशल सीरीज बायोलॉजी डाउट क्लियरिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस। मियोसिस बुक में दिया हुआ है, पीछे मस्त फोटो बना हुआ है, ये सबको समझ में आता नहीं है, नहीं पता क्यों, एकदम आसान सा है, चलो ठीक है देखते हैं। ठीक, अब माइटोसिस में और मियोसिस में बहुत छोटा सा अंतर होता है। माइटोसिस और मियोसिस के अंतर बस इतना है कि मियोसिस का प्रोफेज वन और मेटाफेज वन माइटोसिस से अलग होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। क्या बोले हम, देखो आपको ये मालूम होगा कि सेल साइकिल में कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में एक टाइप होता है जिसको माइटोसिस बोलते हैं, जिसमें पेरेंटल सेल और डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर बराबर होता है। दूसरा वाला जिसको हम लोग मियोसिस बोलते हैं, जिसमें पेरेंटल सेल के क्रोमोसोम से आधा हो जाता है हमारे डॉटर सेल का क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर। अब माइटोसिस में होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, मियोसिस में भी होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और ये वन और टू दो होता है, प्रोफेज वन, प्रोफेज टू, मेटाफेज वन, मेटाफेज टू, टीलोफेज वन, टीलोफेज टू। ठीक है, तो पहले प्रोफेज वन से लेकर टीलोफेज वन तक खत्म होता है और उसके बाद टू शुरू होता है, टू तक खत्म होता है। क्लियर, तो ऐसा नहीं कि पहले प्रोफेज वन होगा फिर प्रोफेज टू होगा फिर मेटाफेज वन होगा फिर मेटाफेज टू होगा, ऐसा नहीं होता है। क्लियर, तो प्रोफेज से लेकर के पूरा टीलोफेज समाप्त हो जाता है और उसके बाद प्रोफेज टू से फिर से टीलोफेज शुरू होता है, और ये वाला चीज यहाँ पर नहीं होता पहला। तो इसके अलावा जो अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम्स का, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ चेंजेस है, उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो अब एक बार पहले हम लोग प्रोफेज मेटाफेज ये क्या होता है उसको समझते हैं माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस यानी कि जिसमें हमको क्रोमोसोम नंबर बराबर मिल जाते हैं, ये अगर समझ में आ गया तो मियोसिस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग माइटोसिस से शुरू करते हैं फिर मियोसिस में हम लोग वापस आएंगे। तो मान लीजिए कोई सेल है, उस सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, तो ये मैंने बनाया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ऐसे क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्या होता है क्रोमेटिन मटेरियल, मतलब कि ऐसा डीएनए होता है। ठीक, अब जो हम क्रोमोसोम बना देते हैं एक्चुअली में, ये वाला एक्चुअली में क्रोमोसोम ऐसे ना होके क्रोमोसोम ऐसे होते हैं। ठीक, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको क्रोमोसोम का बाइवेलेंट कहा जाता है, जिसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है, बस क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसमें उसमें बाइवेलेंट कंडीशन आ गई है, डीएनए का नंबर डबल हो गया है। ठीक है, चलो अब इसको मैं समझाता हूँ कि क्या बोल रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, कंडेंस होना शुरू होगा। तो जब तक सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है तब तक आपको क्रोमेटिन मटेरियल दिखता है, और जैसे ही कैरियोकाइनेसिस शुरू होगा ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर के आपको दिखने लगेगा इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से, इसको बोलते हैं प्रोफेज। तो जब आपको क्रोमोसोम दिखने लगे तो इसको हम बोल देते हैं प्रोफेज। प्रोफेज को अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज इस तरीके से बांटा जाता है। इसके बाद प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम बीच में अरेंज हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर एक प्लेट बनती है जिसको इक्विटोरियल प्लेट या फिर सेल प्लेट कहा जाता है। अब इसी के टाइम पर यहाँ सेंट्रोसोम नाम का सेल ऑर्गेनिल होता है, जिसमें से स्पिंडल फाइबर बाहर निकलता है, इनको पकड़ के रखे रहते हैं। अब स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को ऊपर की तरफ खींचता है और नीचे की तरफ खींचता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में होता क्या है कि क्रोमोसोम एक्चुअली में होना चाहिए ऐसा, ठीक, एक डीएनए से बना हुआ, लेकिन इसी क्रोमोसोम में डीएनए जो है वो डबल हो गया, एक एक्स्ट्रा डीएनए बन गया। वो एक्स्ट्रा डीएनए जो है इस तरीके से दिखता है, डीएनए सेम है लेकिन वो एक एक्स्ट्रा बन गया। तो क्रोमोसोम का ये कंडीशन, तो जब सेल डिवाइड होने वाला होता है उसके पहले एक एस फेज होता है जिसमें
डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और जिसके कारण क्रोमोसोम ऐसा दिखने लगता है, इसको बोलते हैं बाइवेलेंट। अदरवाइज क्रोमोसोम कैसा दिखना चाहिए? ऐसा, ठीक है, क्लियर, इसको बोलेंगे बाइवेलेंट। और क्रोमोसोम बोलना चाहे तो आप इसको क्रोमोसोम बोल सकते हैं, नॉर्मली इसको भी क्रोमोसोम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कब दिखेगा? जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा तब। अब क्या हुआ कि अब होता क्या है कि ये जो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को यहां से पकड़ लेता है, ठीक। ये जो सेंटर वाला हिस्सा होता है इसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर, ठीक है। अब ये सेंट्रोमियर को क्या किया है, यहां से इसे पकड़ लिया है, ये यहां पर सेंट्रोमियर, मान लीजिए इतना बड़ा हिस्सा है, ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के इस वाले पार्ट पर यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच है और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच है। जितने हिस्से पर स्पिंडल फाइबर अटैच है इसे काइनेटो कोर कहते हैं, काइनेटो कोर कहते हैं, क्लियर। जितने हिस्से पर स्पिंडल फाइबर अटैच है उसे काइनेटो कोर कहते हैं। अब यहां से ऊपर वाला जो सेंट्रोसोम है वो इस बाइवेलेंट को ऊपर की तरफ खींचेगा, नीचे वाला सेंट्रोसोम नीचे की तरफ खींचेगा अपने स्पिंडल फाइबर से। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे ऑपोजिट तरफ खींच रहे होते हैं तो ये जो बाइवेलेंट है ये डिटैच होकर के अलग अलग हो जाता है। बाइवेलेंट जो है डिटैच होकर के, एक बाइवेलेंट ऐसा और दूसरा बाइवेलेंट ऐसा, ये डिटैच हो जाता है, एक ऊपर चला जाता है और एक नीचे चला जाता है, क्योंकि उनको ऊपर और नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। अब इस कंडीशन में ये एक क्रोमोसोम है और इस कंडीशन में भी ये एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम और ये भी एक क्रोमोसोम है। हर किसी को एक ही क्रोमोसोम बनेंगे, ये दो क्रोमोसोम या ये आधा क्रोमोसोम नहीं हुआ, ये एक क्रोमोसोम है। आपको कैसे समझना है, देखिए मान लीजिए आपके पास ये पेन है, ठीक है। इसी पेन का मैं बीच में से टुकड़ा करके आधा ऐसे बाहर निकाल दूं, ठीक। तो पेन तो सिंगल है ना, उसको मैंने क्या कर दिया, आधा तोड़ दिया, ठीक। तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये आधा आधा कहलाएगा। लेकिन अगर इसी पेन के अंदर में से एक नया पेन का स्ट्रक्चर छोटा सा निकल जाए लेकिन इससे जुड़ा रहे, जब ये अकेला था तब भी सिंगल पेन है, जब इसमें एक नया पेन जुड़ा हुआ है तब भी सिंगल पेन है, और दोनों को जब अलग अलग तोड़ दिया जाए तब दोनों अलग अलग भी अपने आप में इंडिविजुअली सिंगल होते हैं। तो इस तरीके से ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है, क्योंकि इसके रेप्लिकेशन से ही ये दोनों बने हैं। तो जैसा पेरेंटल डीएनए था वैसा ही दोनों डॉटर डीएनए बन जाता है। अब इससे होता क्या है, जब क्रोमोसोम ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे ऊपर की तरफ आगे आधे जा रहे हैं, नीचे की तरफ आधे जा रहे हैं इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं एनाफेज। और जब ऊपर पहुंच चुके होते हैं तो इसको बोलते हैं टीलोफेज। इसको क्या बोलेंगे, टीलोफेज। चलिए पूरा बनाना पड़ेगा वापस, टीलोफेज ऐसा, ठीक। अब यहां से सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगा, हाँ सेल जो है अब इसको डिवाइड करा देते हैं ना भाई, ये ऐसे डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, हो गया, बस न्यूक्लियस का डिवीजन खत्म। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब मियोसिस में क्या होता है, माइटोसिस समझ में आया कि इक्विटोरियल प्लेट में क्रोमोसोम जमा हो जाते हैं, दो एक ही क्रोमोसोम को दोनों तरफ से पकड़कर खींचा जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिससे उसका बाइवेलेंट जो है वो डिटैच हो जाता है और दोनों तरफ एक एक क्रोमोसोम चला जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोफेज जब शुरू हो रहा होता है, ये तो पूरा प्रोफेज से लेकर एनाफेज टीलोफेज पूरा बता दिया। अब यहाँ पर जब प्रोफेज चालू हो रहा होता है तो क्या होता है, प्रोफेज में ही बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो माइटोसिस में नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्रोमोसोम जब बनाना शुरू हो जाएगा तो उस वाली कंडीशन को लिप्टोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे? लिप्टोटीन। तो देखो क्या हुआ समझाते हैं कि यहाँ पर ऐसे क्रोमेटिन मटेरियल भरा हुआ है। प्रोफेज कब शुरू होगा यहाँ पर भी? जब ये कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ये क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर धीरे धीरे दिखने लगेगा, यानी कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है अपने आप में लिपटने लगता है। क्या होने लगता है? क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप में लिपटने लगता है। तो जब लिपटने लगता है तब लिप्टोटीन हो जाता है। जब लिपटने लगता है तब क्या हो जाता है? लिप्टोटीन हो जाता है। अब आपको एक चीज पता होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या पता होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है आपको, ये पहली बार सुना सुना सा लग रहा है, तो डिटेल लेक्चर भी अपलोडेड है, उसे भी आप देख सकते हैं।
होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब जिसकी बॉडी के अंदर ये मियोसिस हो रहा है, मतलब वो गैमेट बना रहा है, उसके पास एक मदर का क्रोमोसोम, एक फादर का, मदर का नंबर वन, फादर का नंबर वन, एक दूसरे का होमोलोगस, मदर का नंबर टू, फादर का नंबर टू, एक दूसरे का होमोलोगस, मदर का एक्स और फादर का वाई, एक दूसरे का होमोलोगस कहलाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से ऐसे जुड़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर ये वाला कार्य नहीं हुआ, यहाँ पर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई भी होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब जब ये लोग जुड़ते हैं, देखो दो क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, मतलब जब क्रोमोसोम जुड़ता है तो जाइगोट बनता है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया जाइगोटी, जब दो क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब जिस जगह पर जुड़ते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला, यहां वाले हिस्से पर एक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नाम का प्रोटीनस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीनस स्ट्रक्चर बनता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, दोनों के बीच में ये कॉम्प्लेक्स है, ये जो धागा धागा ब्लैक सा दिख रहा है, ठीक है, ये जो धागा धागा ब्लैक सा दिख रहा है, ये क्या है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए कि गोंद जैसा कुछ स्ट्रक्चर है जो दोनों को चिपका के रखेगा, तो जाइगोटिन हो गया। अब ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे में एकदम पैक हो जाएंगे, एकदम चिपक जाएंगे, एकदम ही ज्यादा चिपक जाएंगे, तो जब दोनों एकदम चिपक जाएंगे ऐसा लगेगा कि भैया क्रोमोसोम तो एक ही है, क्रोमोसोम क्या है, एक ही है, वो दो क्रोमोसोम जैसा नहीं दिखेगा, तो उसको बोलते हैं एक दूसरे में लिपट गए, इसलिए इसको बोलते हैं लिप्टोटीन स्टेज। एक दूसरे में दोनों लिपट गए तो क्या बोलते हैं, लिप्टोटीन स्टेज, सॉरी, एक दूसरे में पैक हो गए तो क्या बोलते हैं, पैकेटीन स्टेज, लिप्टोटीन है, एक दूसरे में पैक हो गए तो क्या कहते हैं, पैकेटीन स्टेज। लिपट रहे थे जब डीएनए एक दूसरे में, तो लिप्टोटीन, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे जाइगोट जैसा बन रहा था तो जाइगोटिन, और उसके बाद जब एकदम पैक हो गए एक दूसरे में, पैकेटिंग। अब इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों को क्रॉसिंग ओवर के बारे में पता होगा, क्रॉसिंग ओवर बैक में बायोटेक्नोलॉजी में हमने डिटेल में पढ़ाया है, इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर केवल हम लोग डाउट क्लियर कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, मदर के क्रोमोसोम का थोड़ा सा हिस्सा फादर के पास और फादर के क्रोमोसोम का थोड़ा सा हिस्सा मदर के पास चला जाता है, ठीक है, क्लियर। अब इस तरीके से जब ये लोग एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं अपना क्रोमोसोम का छोटा छोटा हिस्सा, तो इसके बाद ये लोग सेपरेट हो जाते हैं। जब सेपरेट होना शुरू होंगे तब ये लोग फिर से दिखेंगे कि हाँ भैया एक नहीं दो क्रोमोसोम थे, तो जब दो क्रोमोसोम दिखने लगे फिर से तो ये डिप्लोटीन कहलाता है दो क्रोमोसोम दिखने पर, और आखिरी में जब कंप्लीटली सेपरेशन हो जाता है तब ये डाइकाइनेसिस कहलाता है। कंप्लीटली सेपरेशन हो जाने पर क्या कहलाता है, डाइकाइनेसिस कहलाता है, इस तरीके से डाइकाइनेसिस कहलाता है। ये पूरा चीज माइटोसिस में कभी नहीं हुआ, यहीं पर हुआ। इससे हुआ क्या, इससे फायदा ये हुआ कि मदर के क्रोमोसोम पर थोड़ा सा फादर का हिस्सा, फादर के क्रोमोसोम पर थोड़ा सा मदर का हिस्सा चला जाता है, और ये कहलाता है क्रॉसिंग ओवर, जिसकी खोज मॉर्गन ने की थी। अब इसके बाद आएगा मेटाफेज। मेटाफेज में एक मस्त चीज होती है कि मेटाफेज प्लेट के एक तरफ आधे क्रोमोसोम चले जाते हैं और मेटाफेज प्लेट के एक तरफ बाकी के आधे क्रोमोसोम चले जाते हैं। जब हम लोग माइटोसिस देख रहे थे तो सारे क्रोमोसोम एक लाइन में थे, ठीक, तो इधर से जब स्पिंडल फाइबर बनता था तो उस स्पिंडल फाइबर को ये वाला क्रोमोसोम दोनों मिल जाता था, और इसको भी ये क्रोमोसोम दोनों मिल जाता था, तो एक ही क्रोमोसोम को दोनों स्पिंडल फाइबर पकड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसको यहाँ पर क्रोमोसोम मिल जाता है तो ये सिर्फ इनको पकड़ता है, और यहाँ वाले को ये क्रोमोसोम मिलते हैं तो ये सिर्फ इनको पकड़ता है, तो यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, बाइवेलेंट जो है वो अलग नहीं होगा। यहाँ पर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होकर के एक एक कोने में चले जाएंगे, और इस तरीके से एनाफेज आएगा, और अब क्या बनेगा, अब ये वाली कंडीशन में आधे क्रोमोसोम ऊपर चले गए आधे नीचे चले गए, और यही वाली कंडीशन कहलाती है एन। तो इस तरीके से प्रोफेज काफी अलग था, और मेटाफेज में केवल पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम अलग होता है। मेटाफेज प्लेट पर माइटोसिस के समय एग्जैक्टली सेंटर में क्रोमोसोम अटैच होते हैं, और मियोसिस के समय पर मेटाफेज फेस प्लेट के ऊपर और नीचे की तरफ अटैचमेंट होता है। इसके आगे का पूरा प्रोसेस सेम है। मियोसिस टू भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि माइटोसिस होता है, बस क्रोमोसोम नंबर टू एन की जगह एन हो जाता है, ठीक है, और इस तरीके से उस वाली कंडीशन में बाइवेलेंट टूटेगा। मियोसिस टू में जाकर के बाइवेलेंट टूटता है, मियोसिस वन में केवल होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होते हैं।
अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत है, कोई डाउट बच गया है, तो प्लीज जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको अभी भी ना समझ में आया हो, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है इसमें। आपको बायोटेक के बारे में भी थोड़ा मालूम होना चाहिए, आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, जेनेटिक्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और सेल के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, सेल ऑर्गेनेल्स का पता होना चाहिए। ये सारी चीजें यदि आपको पता होंगी तो ये ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। फिर भी मैंने कोशिश किया आसान भाषा में जितना जल्दी से जल्दी इसे समझाया जा सके। आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आने वाले वीडियोस का इंतजार करिए और थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।